नमस्कार दोस्तों, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से यहाँ पर ANM और GNM के जो भी स्टाफ है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया है। चलिए डिटेल्स में दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। ANM और GNM फील्ड में जाकर लोगों को परिवार नियोजन के लिए करेंगे जागरूक, इससे संबंधित यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दिया गया है। चलिए डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड, आज के दैनिक भास्कर न्यूज़ के डिटेल्स में ये जानकारी दिया गया है कि ANM और GNM को दी गई ट्रेनिंग। अब ANM और GNM के जो भी स्टाफ है फील्ड में जाकर के लोगों को परिवार नियोजन के लिए करेंगे जागरूक। फिलहाल अभी फ्रेंड परिवार नियोजन सप्ताह चल रहा है, इसीलिए यहां पर ANM और GNM के जो भी स्टाफ है उनको यहां पर ट्रेनिंग दिया गया है। फ्रेंड यहां पर और डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। परिवार नियोजन को लेकर के बुधवार को पारामेडिकल भवन में ANM और GNM के दूसरी बैच को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। बहुत अच्छी अपडेट है फ्रेंड। अगर आप लोग को भी यहाँ पर ज्वाइन करवाए जाएंगे तो आप लोग को कुछ दिनों को ट्रेनिंग दिए जाएंगे काम सिखाने के रिलेटेड, और आपको काम की जानकारी देंगे। फ्रेंड ट्रेनिंग के दौरान अंतरा सुई और छाया टैबलेट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने में इसका कैसे इस्तेमाल करना है इत्यादि जो इसके अंतर्गत आते हैं के बारे में इसमें जानकारी दिया गया। बता दूं फ्रेंड कि ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर कुमारी रश्मि सेमी ने ये ट्रेनिंग ANM और GNM के जो स्टाफ थे उनको दिए। मौके पर जिला में परिवार नियोजन के नोडल अधिकारी SOMO डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, केयर इंडिया के DTL तौसीफ कुमार आसिफ, सारे स्टाफ यहाँ पर उपस्थित थे। फ्रेंड ये बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पर ANM और GNM वाले को यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाते हैं। फ्रेंड ANM GNM से रिलेटेड कोई और नया नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से आकर बताएंगे। अगर आपको अगर लग रहा है कि इस चैनल के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगला वीडियो में नया नोटिफिकेशन को लेकर के लिए। थैंक यू।